हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर पे जो आपको कराया था, लास्ट अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कराई थी और उसमें मैंने करा दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर एट क्या है। देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ बुक से। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखो, पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोई भी पोल या कुछ भी जिसके ऊपर एक स्टैचू उन्होंने स्टैंड किया है, ठीक है। अब सुनिए बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 45। एक पॉइंट है आपका, तो ये आपने ऐसे बनाया, ये आपका बना पेडिस्टल ऐसे करके, और इसके ऊपर कोई स्टैचू है ये, ठीक है बेटा। वो ये कह रहे हैं कि इससे ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया, कहाँ पर पॉइंट लिया, ग्राउंड पे, और यहाँ से इसका एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में आगे उन्होंने एक और लाइन बोली है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। मतलब यहीं से, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल ये हो गया इसका एंगल। अब ये कितना दे रहा है, 45 आपको, और आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल एंड द हाइट ऑफ स्टैचू कितनी दे रहा है, 1.6। तो ये ए बी सी डी, इसको आप एसलेट कर लो, सिंपल है, और इसको आप एक्सलेट कर लो। देखो बेटा, इसमें ट्राइंगल का बन रहा है, ये रहा ए सी डी, और दूसरा बन रहा है बी सी डी, दो जगह पर ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल आपको यूज कर रहे हैं, और इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा इसी ट्राइंगल को लेते हैं जिसमें कोई दूसरी साइड का पार्ट ऐड होके ना आ रहा हो। तो यहाँ पर 45 एंगल है, तो इन ट्राइंगल किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बी सी डी, इस वाले की, ट्राइंगल बी सी डी, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे बी सी डी में एंगल सी पे कितना है मेरा, 90 डिग्री है। अब बेटा यहाँ पे तो क्लियर है सबका कि एंगल बी सी डी, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो, ये मैंने लिया, इसी को क्यों लिया, मैंने बता दी कि इसमें कोई दूसरी साइड्स का पार्ट प्लस हो के नहीं आ रहा है, इसलिए 1045 है मेरा BC अपॉन CD, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, और BC की वैल्यू कितनी है, BC H है, और CD कितना है X, यही लिया आपने। तो यहाँ पर मुझे एक रिलेशन मिलता है, H अपॉन X इक्वल्स टू 1 implies दैट H इक्वल्स टू X, एक रिलेशन आपको मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया कि जो H है और वो X है इसमें, और दोनों कैसे हैं इक्वल। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले एंगल पर, ठीक है। तो दूसरा एंगल किस ट्राइंगल में, ए सी डी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल सी पे कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे 1060, किसकी बात कर रहा है, 1060 की। अब देखो बेटा, ये गलती कभी मत करना कि आप ओनली इतनी साइड रख लो, राइट एंगल ये पूरी साइड है, तो हमें साइड यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, 1.6 प्लस एच ये वाली साइड, इतनी हो गई, और ये कितना रहा मेरा एक्स। तो 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एंगल ये रहा एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। अब ये आपको पता है, चाहे इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको क्या रखा यहाँ पर, √3, 1060 की वैल्यू 1.6 प्लस एच। अब देखो मैं इसको क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने एच रखा, यहाँ पे भी एच रख दिया, क्या कर दिया, इस एच को दोनों के नीचे रखा सेपरेट सेपरेट, यहाँ से ऐसे लिख लो लास्ट, अगर यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है कि यहाँ भी एक्स लिखा और यहाँ भी एक्स, और अब एक्स की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से, एच, एक्स और एच दोनों कैसे हैं आपके सेम, आपने इसको यहाँ पर रख लिया,
क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 101 इधर आके क्या हो जाएगा मेरा माइनस। तो रूट थ्री ये हो गया मेरा 1, 1 को मैंने इधर आए क्या कर दिया माइनस, तो माइनस 1 इक्वल टू 1.6 अपॉन एच, एक्सचेंज कर दो बेटा इससे, तो एच इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। अब मैं बता दूं आपको यही आपका आंसर है, पर आप क्या कर सकते हैं, रूट थ्री माइनस 1 इन कहाँ पे आ रहा है, इन फॉर्म डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में से इसको हटाओगे, तो एक ही मेथड है मेरे पास रेशनलाइजेशन, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1। तो एच इक्वल टू 1.6 एच, ये कितना बचा 2, तो 2 से कटा 0.8, तो 0.8 ऑन इसमें रूट थ्री प्लस 1 मीटर। ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक पेडेस्टाइल है उसके ऊपर स्टैचू है, पेडेस्टाइल का टॉप का एंगल 45 है, स्टैचू का टॉप का एंगल कितना है 60, दोनों बना दिया, फर्स्ट ट्रायंगल लिया सेकंड ट्रायंगल लिया, और ये आपका इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को किया। देखो हर क्वेश्चन में एक अपना मतलब समझने का मतलब होता है, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये क्लियर करना है, वो क्या है मेरा डायग्राम्स क्लियर करने हैं सारे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसकी कौन सा एंगल दे रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। जहाँ पर एक बात याद रखना, एंगल जिसका ग्रेटर है और सेम डिस्टेंस से बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनमें से जिसकी हाइट ज़्यादा होगी जिसका एंगल ग्रेटर है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 इफ द टावर साइड कितनी है 50 मीटर, फाइंड देयर हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, क्या करना है देखो, ये ग्राउंड है ठीक है, ये आपने टावर बनाया और ये आपने बिल्डिंग बनाई, क्यों, क्योंकि इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का दे रहा है 30 डिग्री, और यहाँ से इसके फुट का एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री। तो मैंने कहा सेम डिस्टेंस से जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो यहाँ से देखो बेटा ये हाइट में जो गिवन है टावर की कितनी है 50, ये हाइट आपने एच की है फाइंड की है या फाइंड करनी है, और यहाँ पर ये मेरा क्या है एक्स है। अब देखो करते क्या, कुछ नहीं, ये वाला ट्रायंगल लो जिसमें 50 आ रहा है और ये आ रहा है, इसकी हेल्प से मैं इसको निकालूंगा, क्योंकि एक एंगल एक साइड चाहिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, तो ये वाली साइड है तो पहले मैं इसको निकालूंगा, फिर मैं इसकी बात करूंगा एच एक्स और 30 एक्स मैंने निकाल लिया, इसके यूज से मैं इसको निकालूंगा। तो देखो बेटा ए बी सी डी कोई भी ट्राइंगल ले लो ठीक है, इन ट्राइंगल डी सी बी और सी इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख लिया। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा 10 60 कितना हो गया डी सी अपॉन बी सी मतलब 50 अपॉन एक्स, 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, तो 50 अपॉन एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 50 अपॉन रूट थ्री, ये वैल्यू किसकी आ गई एक्स की। अब आपको क्या चाहिए, मैंने क्या बोल दिया आपसे कि इस एक ट्राइंगल में एक साइड होना और एंगल होना, तो एंगल था मेरे पास साइड ये थी, मैंने इसको निकाल लिया। अब यहाँ से जो आपको निकालना है वो निकाल लिया एच, एच क्या है ये 30, तो सुनो बेटा अब ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल डी सी बी हो चुका है आपका, अब है ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में और कौन सा एंगल 90 डिग्री का है एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ए बी सी ये ट्राइंगल है मेरा और यहाँ पर जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन और लास्ट तक मैं छोड़ दूँ, वीडियो को दो पार्ट में डाल दूँ बड़ा बड़ा करके ना डालूँ, आपका काम ये है कि आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर मैं शुरू करूँगा आपका
सर्कल और फिर एपी और क्वाड्रेटिक। एग्जाम से पहले मैं आपका ये ख़त्म करा दूँगा, हर डे के हिसाब से आपके क्वेश्चंस ख़त्म होंगे। देखो बेटा ये 90 डिग्री यहाँ से, अब आपको क्या करना है, तो ट्राइंगल आपने लिया ए बी सी, इसमें आपकी कौन सी है 10-30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू 10-30 की, और 10-30 की वैल्यू कितनी आती है ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, बी सी का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी है √3, तो बी सी अपॉन √3 इक्वल्स टू ए बी। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये बी सी अपॉन √3 इंटू ए बी कैसे आए, तो भाई 10-30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3, और इस चैप्टर में इतनी यूज़ होती है कि एक ही वजह याद हो जाती है। तो यहाँ से जो मेरा ए बी निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है, ए बी बी सी अपॉन √3, या ऐसे करके लिख लो तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू है मेरी 50/√3, और इसका मल्टीप्लाई इस √3 से कर दिया तो कितना आ गया 50/3 मीटर, आंसर आ गया कि बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 50/3 मीटर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे आप, 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, टू पोल्स। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें समझने के लिए कुछ ऐसा है कि भाई इसे हम कर ही ना पाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सुनो बेटा। टू पोल्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब है जैसे आपकी इतनी चौड़ाई किसकी है, या ये विड्थ है आपकी रोड की, यहाँ पे सेम हाइट का एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, तो दोनों ही हाइट कहाँ है सेम है, ठीक है। अब बेटा इतनी बात तो सबकी क्लियर है, ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, कितने मीटर वाइड है ये 80 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते जाए ना साथ ही साथ, पहले क्वेश्चन को देखो करने से पहले एक या दो बार रीड किया करो, जिससे आपको पता चले क्वेश्चन क्या करवा रहा है आपसे। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, अब इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, ये लो मैंने यहाँ ले लिया, अब इससे पॉइंट से इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है वो दे रहा है, ठीक है बेटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दे रहा है इसके 60 डिग्री है 30 डिग्री, तो ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। एक बात हमेशा ध्यान रखना, द पॉइंट विच नियर टू द ऑब्जेक्ट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मोर देन देन द पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज कहाँ होगा इससे दूर होगा उस केस में, तो ये नियरर पॉइंट होगा वो मोर देन वाले पॉइंट से कैसा होगा, उसका एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 60 हम कहाँ पे लेंगे यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, एक तो पोल की हाइट फाइंड करनी है, दूसरा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब पूरी कितनी है ये, तो ये मैंने एक्स लेट कर ली, ये आ जाएगी फिर 80 - x, ठीक है बेटा, ये हाइट कितनी है h, तो ये भी कितनी आएगी। अब ये लेट वेट करके आराम से लिख सकते हो आप, इसमें कोई बात नहीं कि अब ये भी बात मैं आप बग को बताऊँ कि पॉइंट यहाँ से और ये हाइट कितनी है h, जो बात है वो कंसेप्ट समझना है आपको, समझो बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे a b c और d और e, तो इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं इस वाले में ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल a बी सी और एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद देखो बेटा इस वाले ट्राइंगल में 10-60 सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज की जरूरत है ही नहीं,
तो 1060 कितना होगा, 1060 ये रहा, और इसके सामने क्या है मेरा, ये 1060 के सामने क्या है, हाइट। तो यहाँ से h ये हो गया और अपॉन में x ये हो गया। अब 1060 की वैल्यू कितनी थी, 1060 की वैल्यू यहाँ से सबको पता है रूट थ्री होती है, और ये होती है h अपॉन x। तो यहाँ पे मेरा h निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है रूट थ्री एक्स। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूँ आपसे इधर वाले की, इसमें क्या करना है आपको। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल सी डी ई ऐसे कर लिया, ट्रायंगल सी डी ई, और राइट एंगल किस पे, डी पे, वो भी कितने डिग्री का, राइट एंगल मतलब ये की होता है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा, 1030 का, और 1030 के लिए ये क्या हो रहा है, एच अपॉन, बेटा जो मेरी आज आज की वीडियो डल रही है मेरी गारंटी है कि इसमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, h अपॉन कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है रूट थ्री। तो देखो यहाँ पे अब मैं इससे हमने यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 1030 की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दिया सीधा 1 अपॉन रूट थ्री और h अपॉन 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ऐसे, तो 80 माइनस एक्स इक्व टू एच रूट थ्री, पुट द वैल्यू ऑफ h, तो द वैल्यू ऑफ h इक्व टू रूट थ्री एक्स, तो 80 माइनस एक्स इक्व टू एच की वैल्यू कितनी है रूट थ्री। तो यहाँ से बचा 80 माइनस एक्स इक्व टू थ्री एक्स, 80 इक्व टू 3x प्लस एक्स, 80 इक्व टू 4x, x इक्व टू 20, तो वैल्यू ऑफ x कितनी है 20। अब ये पॉइंट वन पोल से कितना होगा 20, तो दूसरे से कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो दूसरे वाले से कितना होगा फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट से अगर 20 तो सेकेंड से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर, और हाइट ऑफ पोल कितनी है रूट थ्री एक्स, हाइट ऑफ पोल क्लियर पता है सबको रूट थ्री इंटू, ठीक है हाइट कितनी थी रूट थ्री एक्स। तो क्या किया क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, इससे रिलेशन एक्स में निकाला, इससे निकाला, दोनों हाइट थी, दोनों को क्या किया आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया, एच की पे इसको रखा और निकल आया सिंपल, फिर ऐसे इसमें पुट कर दिया। यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर में 10 खत्म होता है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देखें, क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, कैनल सारे बच्चे जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो भाई देख लेना, कैनल होता है जो जनरली यूज होता है खेत वगैरह पे, जिसमें से क्या जाता है वाटर फ्लो करता है कहाँ पे, खेत वेत के लिए लोगों किसानों के लिए निकाल के ले जाते हैं, तो उस तरह की लाइन होती है उसे हम कैनल बोलते हैं, पर आपको उससे मतलब नहीं है, ये आपका यहाँ पे इतना कैनल है, तो यहाँ पे एक पोल है और यहाँ से आपका उसका वर्टिकल एंगल देखा जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, तो अपोजिट का मतलब यही है यहाँ पे कि टावर यहाँ पे है, बैंक में इतना चौड़ा है आपका कैनल, तो उसके वन बैंक पे ये रहा और सेकंड बैंक ये रहा, यहाँ से ये कितना है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये आपको गिवेन है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम लाइन, तो यहाँ से कितने अवे पे 20 मीटर अवे पे एक दूसरा पॉइंट है, ये उसने डिस्टेंस आपको मेजर कर दी कि ये 20 मीटर है भाई, और यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री, कितना एंगल 30 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर, आपको दोनों फाइंड करने हैं, एक तो आपको विड्थ निकालनी है और ऊपर से क्या निकालनी है
तो इसकी टावर की हाइट कितनी है एच और विड्थ कितनी है एक्स। ये हो गया आपका। देखो बेटा सुनो ध्यान से कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे बच्चों को ट्रायंगल का नेम रखना है ए बी सी, ठीक है, पर सी यहाँ पे लिखो और डी लिखो यहाँ पे। दो ट्रायंगल लेने, मैंने बोला सबसे छोटा वाला यहाँ पे, कोई दूसरी साइड का सम उसके साथ ऐड नहीं हो रहा उसको लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी, भाई लेट करके आप लिख सकते हो लेट हाइट एच बी द हाइट ऑफ टावर एंड एक्स बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट टू द पॉइंट बी एक्स। तो ए बी सी ट्राइंगल में बी पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो बेटा इसमें 60 के सामने क्या है परपेंडिकुलर, एडजस्टेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लग रहा है, सेम फॉर्मूला 1060 की वैल्यू एच अपॉन एक्स, क्या वैल्यू होती है इसकी रूट थ्री इक्वस टू एच अपॉन एक्स। देखो सेम रिलेशन निकल रहा है एच इक्वस टू रूट थ्री एक्स, ये आ गया। अब दूसरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड होगी वो होगी 20 प्लस एक्स। अब यहाँ से मुझे क्या करना है तो देखें बेटा, दूसरा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बात कर रहा है, ट्राइंगल ए बी सी पूरा लेना है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ से ये, ठीक है बेटा ए बी सी डी, तो ए बी डी और बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आपने ये वाला लाइन किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा तो गलत कर रहे हैं, और डायग्राम नहीं बनाया आपने तो भी आप एग्जामिनर को मौका दे रहे हैं कि लो भाई साहब आओ मार्क्स काटो। तो ऐसा आपको किसी को नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें आपको डायग्राम बनाना है और ये इस तरीके स्टेटमेंट ज़रूर आपको लिखने हैं, अदरवाइज सीधी सी बात है आप उसको मौका दोगे तो एग्जामिनर तो मार्क्स काटने के लिए बैठा है, वो आपके सीधे मार्क्स उड़ा देगा। यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये मेरा निकल गया, अब इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1030 है तो सेम परपेंडिकुलर में ये रहा और बेस ये रहा, तो 1030 एच अपॉन 20 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 1030 की 1/√3, सबको याद हो गई होगी अब तो 1030 1/√3, ये एच अपॉन एच इक्वस टू, अब ये रूट थ्री का मल्टीप्लाई इधर कर दो इसमें एच में और ये रह गया 20 प्लस एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ रूट थ्री एच की, एच की वैल्यू रूट थ्री ये रहा और रूट थ्री एक्स इक्वस टू 20 प्लस, पूरा क्वेश्चन एक्स में ही कन्वर्ट होना चाहिए था, यहाँ से क्या निकला मेरा 3x इक्वस टू 20 प्लस एक्स, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2x इक्वस टू 20, x इक्वस टू 20 अपॉन 2 इक्वस टू 10 मीटर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल रही है 10 मीटर और हाइट का रिलेशन कितना है ये रहा। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं की, सीधा एक ही निकाला है 60 का एंगल है रूट थ्री का मल्टीपल x को निकालते हैं फिर इसको एच की जगह पर पुट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे इन क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलती करते हैं, कोई x को पुट कर देते हैं एच की फॉर्म में, निकल आता है डायरेक्ट, फिर आपको रियलाइज करना पड़ता है नीचे रूट थ्री माइनस वन आएगा, और मेरे किसी क्वेश्चन में नीचे रूट थ्री माइनस वन नहीं आया अभी तक। देखो बेटा अब यहाँ पे एच कितना हो गया 10 और साथ में रूट थ्री मीटर, एक आंसर मेरा ये रहा और एक आंसर मेरा ये रहा। जिस तरीके से फॉर्मेट में मैं करा रहा हूँ सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा उसी फॉर्मेट में करने की कोशिश करें कि मैं हमेशा किसको पुट कर रहा हूँ एच को ही पुट कर रहा हूँ, भले ही एक्स निकालना है या नहीं निकालना है, वैसे तो निकालना ही था ज़्यादातर केस में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको कराऊंगा 12, कौन सा वाला 12 फ्रॉम द 12 पढ़ें सारे बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब बात है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जर्वर है आपका, वो कहाँ पे है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है आपकी और इसकी हाइट दे रहा है वो 7 meter। कभी कोई क्वेश्चन हाइट वाले ही थे वो कहता है विंडो में से,
तो आपको जहाँ की दे रहा है वहाँ से, यहाँ से एंगल बन रहे हैं, ये रहा टावर मेरा, यहाँ से इसका टॉप का एंगल है और दूसरा इसके फुट का एंगल है। फुट तो समझते ही है, मतलब उसमें जहाँ से वो स्टैंड कर रहा है तो जिस पॉइंट पर स्टैंड किया हुआ है उस पॉइंट का, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे ये वर्टिकल लिया और ये, तो भाई डिप्रेशन एंगल यहाँ से बनेगा। मैंने आपको बोला था आपको एक सामने लाइन लेनी है, वहाँ से नीचे क्या बनेगा, तो ये बना 45 का और ये बना मेरा 60 का। एक बार मैं एंगल ज़रा क्रॉस चेक कर दूँ कितने 45 60 है क्या, एंगल मेरे इसमें 45 और 60 है, ठीक है। अब उसके अलावा आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट। तो बेटा देखो, ए बी सी डी और ई, मैं आपसे बात करूं ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि कोई भी ये कितना डिग्री का एंगल होगा 90 का, और ये भी कितना होगा 90 का। इसमें जो भी शेप बनती है स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही बनती हैं, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये मेरा कितना आ गया 7। इसकी हेल्प से मैं इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा इस वाले को। तो देखना बेटा इन ट्राइंगल, किस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, अब ई बी सी और आपके अकॉर्डिंग एंगल बी पे कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 ये रहा, तो ये तो होगा हाइपोटेनियस, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब ये 45 है तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से 10 45 कितना आया, बी सी अपॉन बी ई 1, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और बी ई की वैल्यू कितनी है जो आपको फाइंड करनी है, तो बी ई मेरा कितना निकल आएगा 7। देखो मेथड्स भी होते हैं काफ़ी, जिनको इन जनरल मैं करवाता हूँ, इन शॉर्ट में करवा देता हूँ आंसर चेक। जैसे एंगल 45 का है तो ये दोनों साइड से इक्वल आती हैं, आप उससे भी कर सकते हो, या ये इसको देख सकते हो 10 60 की बात होती है तो रूट 3 का मल्टीपल होता है, और अंडर 3 की बात होती है तो रूट 3 का डिवाइड लग जाता है डायरेक्ट। पर आपको ऐसे नहीं करना, आपको करके दिखाना है, आपके पेपर में करके दिखाने की वैल्यू है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई, सी की जगह पर कितना है मेरा ई, और यहाँ पे अब कौन सा है ये, क्योंकि ये तो मुझे मिल चुका है, कितना है ये 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निकाला वो भी कितना आया 7 मीटर ए बी ई। अब इस ट्राइंगल में इसको मैंने एच लेट कर रखा है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, सेम केस बनेगा जो इसमें आता, ये हाइपोटेनियस हो गया 60 के सामने एच और ये यहाँ पर ये, तो इतना मेरी समझ में आता है। अब यहाँ पर सुनो बेटा, बी कितना है मेरा 90 डिग्री, क्लियर है सबका, तो अब यहाँ पे भी आपका 10 60 लगेगा, और 10 60 क्या कह रहा है आपसे कि ये मेरा एच है और ये क्या है बी ई, और बी ई की वैल्यू आपने अभी निकाली है 7, कितनी निकाली है 7, तो ये हो गया रूट 3 एच अपॉन 7, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 7 रूट 3। पर आपको टोटल हाइट किसकी निकालनी है, टावर की, ये निकला है 7 रूट 3 और ये कितना है 7, तो दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे, टोटल हाइट सेवन रूट थ्री प्लस 7 कॉमन ले लिया, रूट 3 प्लस 1 मीटर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा, आपको ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, केबल वाला भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब वो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ऑब्जर्वर कहाँ पे, लाइट हाउस पर, लाइट हाउस मोस्टली सी ब्रिज पे या किसी भी लेक वगैरह पे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और ये होते क्या लाइट हाउस, लाइट हाउस में क्या है कि वहाँ से लाइट जलती है, काफ़ी सारी हाइट होती है जिससे उसमें लाइट पूरे में क्या होती है ऐसे घूमती रहती है,
जैसे आपको पता रहे किसी को यहाँ पर कोई ना कोई होगा। ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पर कोई आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। और लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर आए। लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री और 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले एंगल एक ये होगा और एक ये होगा, यहाँ से तो ये वाला होगा 30 डिग्री का और ये होगा 45। तो सारे बच्चे जानते हैं मोर देन होता है वो 45 होता है। मैंने आपको बता दिया था अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। मैंने पहली ही क्लास में सबसे पहले यही बताया है क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये होगा मेरा 30 डिग्री का। देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आपको दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। तो बेटा ए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ए बी सी और डी, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये मान लो ये तो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। यहाँ से आएंगे, चार क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है मेरा 13, अब है आपका 14, 15, 16। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर 15 और 14 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 10 45, किसकी बात कर रहे हो, 10 45 पे सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए x1 लेट कर लिया है और इसको x2। मैं बेटा इसको थोड़ा नीचे रख रहा हूँ कि डायग्राम में आपको ये पूरी डिस्टेंस बतानी ही पड़ेगी कि ये कितना है x1 प्लस x2। कभी कभी बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं कि इस पूरे को x ले लेते हैं, रेजिस्टेंस माइनस, नहीं आप स्मॉल पार्ट की लीजिए क्योंकि आपको फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा और प्लस करना माइनस करने की कंपेरिजन ज़्यादा आसान रहता है कैलकुलेशन में। तो देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 10 45, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये रहा मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर बेस 10 में ही आते हैं और 45 में वैल्यू होती है ए बी अपॉन बी सी, दैट्स मीन इसकी वैल्यू 1 और ये ए बी है और ये क्या है मेरा बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है बी सी, ठीक है, और ए बी कितना था मेरा 75, तो ये भी कितना हो गया 75, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई x1 की। देखो बेटा, अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये यहाँ से पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ती है नीचे की, ठीक है, और तो इसमें भी 30 है, 30 के सामने सेम परपेंडिकुलर और बेस ये रहा, तो लिखो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री कितना होगा मेरा ए बी अपॉन बी डी, ये वाली डिस्टेंस पूरी, बेस ये हुआ और परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी डी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 की, 1/√3, ए बी की वैल्यू 75 और बी डी की वैल्यू यहाँ से आपको रखनी है x1 प्लस x2, ऐसे माइनस तो कर दो, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 75। अब बताना इसमें ऐसा कुछ था भाई, √3 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो ये निकालनी है, तो ये इधर जाए क्या कर लेगी अपना, माइनस कर लेगी, और ये आपके पास ऑलरेडी पहले है ही, तो x2 कितना आ गया मेरा 75√3 माइनस x1, तो x2 इक्वल्स टू 75√3 माइनस के 75 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा √3 माइनस के 1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
13। तो इसी के साथ मेरे क्वेश्चन नंबर 13 तक होते हैं। इस वीडियो में ओनली इतना ही है। यहाँ से आगे आपकी जो वीडियो आएगी उसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। ये क्वेश्चंस भी जो इसमें है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पहला ट्राइंगल लो 75, ये रहा, ये 75 निकल आता है। दूसरा इन दोनों का सम और ये 75 का रूट 3 टाइम्स होता है, उसको उधर या माइनस कर देते हैं, 75 कॉमन ले लेते हैं, तो आंसर आ जाता है √3 - 1। इतना सा ये क्वेश्चन था। अब आप यहाँ से आए देखो वीडियोज मेरी में, नेक्स्ट वीडियो 4, 5 और क्या आएगा 14, 15, 16। आज के अभी इस वीडियो के लिए ही इतना, वो वीडियो भी आपकी 2 से 3 घंटे में आ जाएगी आपके पास।